जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला उनकी पहचान। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो रास्ता बनाए वो है परिस। बहुत स्वागत है आपका द पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम शख्सियत में। और आज के खास कार्यक्रम में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने न सिर्फ अब तक कांटों का सफर तय किया है, बल्कि अपनी कार्यकुशलता और अपने हौसले से एक नई पहचान बनाई है। जी हाँ, और आज भी वो समाज में फैले अत्याचार और अपराधों को दूर करके समाज में शांति कायम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदेश की राजधानी जयपुर में डीसीपी नॉर्थ के पद पर कार्यरत परेश देशमुख के। सर, बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले आपको जय हिंद सर। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहला सवाल, महज 25 साल की उम्र में आपने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन कर ली। सर, अक्सर देखा जाता है कि युवा इस उम्र में ये तक नहीं सोच पाते हैं, ये तक डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उन्हें आखिर किस फील्ड में जाना है और क्या करना है। ऐसे में आपने कब ये सोच लिया कि आपको आईपीएस ही बनना है? मैं इंजीनियरिंग में था, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के बाद मेरा कंप्यूटर स्ट्रीम था, मैंने पुणे से कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। जी, इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर में जब मैंने काम किया, टीसीएस में मैं एम्प्लॉयड था जी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये प्रकार का काम मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है। अच्छा, वो उस वक्त था कि तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ। काफ़ी सोच विचार करके मैंने दो चीज़ें ही शॉर्टलिस्ट की कि या तो मैं सिविल सर्विस देके गवर्नमेंट में अफसर बनूंगा या मैं टीचर बनूंगा। अच्छा, तो उसके बाद फिर एक बड़ा निर्णय था कि जॉब छोड़ने का, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बनने के बाद आप जॉब कर रहे हो, आप पैसे कमाने लग जाते हो, और उसके बाद जॉब छोड़ना जी। और जॉब छोड़ के एक ऐसे डिसीजन का पीछा करना जिसमें सफलता पता नहीं मिले या नहीं मिले, तो बहुत समय लगा जी। बट थैंकफुली मेरे फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और उसके पश्चात मैंने यूपीएससी की एग्ज़ाम दी जी। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नहीं हो पाया, सेकंड अटैम्प्ट में मेरा हुआ, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे आईपीएस ये सर्विस मिली। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये लगता था कि भी हमारी नौकरी एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर लोग अपना दुख दर्द लेकर आए, और हम जिस पद पर हो उसमें कम से कम इतनी शक्तियाँ हो कि हम उनकी मदद करने में सक्षम हों। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे एक सेटिस्फैक्शन लगता है कि भाई इस पद पर रहते हुए जितना संभव है उतनी हम लोगों की मदद करें और उनके दुखों का निवारण करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। एक और सवाल था सर कि जब हम इस पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, जबकि लोग हमें जानने लगते हैं, वो समय वैसा होता है कि हर कोई हमें चाहता है, हर कोई हमसे पहचान रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो दौर कैसा था जब आपने तैयारी करना शुरू की, और ख़ास करके वो समय जबकि पहली बार में सफलता नहीं मिली, दूसरी बार आपने दोबारा कोशिश की, तो उस वक्त लोगों का कैसा रिएक्शन था, फैमिली का सपोर्ट कैसा था? टचवुड, हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। हम तब तो कॉलेज डे से छोड़ के जस्ट हम ओल्ड पुणे सिटी में शिफ्ट हुए थे कि हम वहाँ प्रिपेयर कर सके, कोचिंग लगाई, और मुझे अच्छे से याद है हम एक जगह पर हम 9 लोग रहते थे जो हम साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, और शेयरिंग बेसिस में हम 9 लोग एक ही जगह पर रहते थे जी। हमने जब प्रिपेयर किया तो उसमें से यूपीएससी का एक ऐसा सफ़र है कि मराठी में हम कहते हैं कि जब कोई पदयात्रा पर निकलते उसे वारी कहते हैं, तो वारी हमेशा एक लंबी यात्रा होती है, तो यूपीएससी को हम हमेशा वारी कहते हैं। इस सफ़र में जैसे कि हम 9 लोगों ने साथ में प्रिपरेशन शुरू किया, तो उसमें से कुछ लोगों का प्रीलिम पास हुआ, कुछ लोगों का मेंस पास हुआ, कुछ लोग इंटरव्यू में रह गए, तो हर एक वो मोड़ देखा। और जब मेरा पहला फेल्यूर मैंने जब देखा, तो जब से होश संभाला और पढ़ाई शुरू की, तो पहली से लेकर तो इंजीनियरिंग तक कभी भी हम फेल नहीं होते, और वो एक बड़ा शौक होता है लाइफ का कि भाई आप फेल हो, और वो तब है कि जब आपने निर्णय लिया है, अब आपने एक अर्निंग जॉब को छोड़ा है आपने, तो फिर कई बार ये रियलाइज होता था कि यार हम पैसे अगर नौकरी नहीं छोड़ते तो बेटर रहता, हम पैसे कमा भी नहीं रहे और वी आर लाइबिलिटी। बट पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, मुझे दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट किया, और मुझे बड़े अच्छे से याद है वो दिन जिस दिन ये रिज़ल्ट आया, और एक तरह से मातम सा छाया हुआ था, और जितने भी हम दोस्त फेल हुए थे हम बैठ के चर्चा कर रहे थे, और चर्चा करते करते हम ये चर्चा करने लगे कि यार हम क्यों फेल हुए, और
वो डिस्कशन एक सीरियस नोट पे गया, फिर हमने क्वेश्चन पेपर्स निकाले, फिर हमने डिस्कस किए कि हमने क्या आंसर लिखे, क्या प्रिपरेशन में कमी रहेगी। और ये करते 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 एक 3-4 घंटे की एक्सरसाइज में हमने ये लिखा कि क्यों हम फेल हुए जी। और फिर हमने एक प्रण लिया कि भाई सक्सेस की चलो कोई गारंटी नहीं है, पर कम से कम अगली बार इन कारणों से हम फेल नहीं होंगे जी। और मुझे बात की बेहद खुशी है कि वो एक्सरसाइज ने मुझे एक जीवन भर का एक ये मैसेज दिया कि कभी भी हम फेल हो जाते हैं तो एक तरह से हम मायूस और निराश हो जाते हैं, परंतु उसके बजाय अगर हम ये सोचें कि फेलियर क्यों आया है और उस फेलियर से अगर हम सीखने की कोई कोशिश करते हैं तो हम और मजबूत, हम उस फेलियर की वजह से और अधिक सशक्त होकर निकल सकते हैं अगर हम उसको थोड़ा सा पॉजिटिव ले लें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपने दिया है कि कभी भी हम हार से मायूस नहीं हो सकते, हमें उस हार को जीतना होगा। हमारे चैनल के डायरेक्टर जो हैं पीके बिजवाल जी, वो आपकी वर्किंग स्टाइल के बेहद कायल हैं और आपकी वर्किंग स्टाइल को फॉलो भी करते हैं, उनके लिए कोई खास संदेश? पप्पू बिजवाल जी से जब मैं बाड़मेर में था तब मेरा पहली बार परिचय हुआ, और इसके पहले मैं लगभग जो भी 4-5 साल का मेरा अनुभव था, एक मीडिया यानी कोई भी व्यक्ति जब आपसे ये कह के मिलता है कि वो मीडिया से है जी। तो आपके मन में एक स्टीरियोटाइप बन जाता है आपके पूर्व अनुभव के आधार पर जी। तो बिजवाल जी उसको एक एक्सेप्शन थे, एक अपवाद थे। वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और हर चीज़ में पॉजिटिव ढूंढते, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से वो हमेशा ये देखते कि कैसे मैं पॉजिटिविटी लाऊं, और उसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट करते, चाहे वो अलग अपनी लीग से हटके डॉक्यूमेंट्रीज बनाना हो, या मुझे याद है कि हमने उस वक्त शहीदों पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उनकी उनके घर वालों के इंटरव्यू लेना, ये लेना, कहीं कोई हादसा हो जाता तो उसका इतना, जिसने भी उस हादसे में मदद की चाहे वो पुलिस हो या प्राइवेट व्यक्ति हो, उसको वो इतना हाईलाइट करते बिना किसी इसके, कि मुझे लगता है कि ये एक महकता सा फूल है कि जिनकी महक से सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है जी। उनकी सोच इतनी पॉजिटिव है, तो मैं बिजवाल जी को और उनके समस्त एंडेवर को यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो पॉजिटिविटी है ये बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि आजकल जब हम अखबार उठाते हैं या न्यूज़ उठाते हैं तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि नेगेटिविटी। आलम अब ये है कि किसी हर चीज़ से धीरे धीरे विश्वास उठता जाता है, जैसे कि अमूमन परसेप्शन ये बन जाता है कि पुलिस में जाओगे तो रिपोर्ट नहीं लिखाई जाएगी, सरकारी अस्पताल में जाओगे तो इलाज नहीं होगा, आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने जाओगे तो आपको पैसे देने, एक तरह से निगेटिव माहौल काफ़ी हर चीज़ में बलिकर बन जाता है। बट ये पॉजिटिव पत्रकारिता की ज़रूरत है, उन चीज़ों को भी उठा के हाईलाइट करने की ज़रूरत है जहाँ कोई अच्छा काम हुआ है या जो किसी से अच्छा काम किया है जी। तो ऐसे मुद्दों को हमेशा उठाते रहते हैं पॉजिटिविटी को, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिविटी अगर बरकरार रहेगी तो ऑब्वियसली इसका एक अच्छा संदेश जाता है और कहीं ना कहीं ये एक जहन में रहता है और उससे एक अच्छे विचार, और अच्छे विचार आगे चल के अच्छे एक्शन में तब्दील होते ही होते हैं जी। तो मेरी शुभकामनाएं उन्हें। और सर एक बहुत अहम सवाल जहन में कि आपने 12 में इसके साथ ही झुंझुनू में, चूरू में आपने एसपी के तौर पे काम किया, लेकिन वो वाकया याद आता है जब नागौर में आप एसपी के पद पर कार्यरत थे और आनंदपाल एनकाउंटर केस जो था उस वक्त हुआ था और उस केस को लेके आपकी गाड़ियों तक को आग के हवाले कर दिया गया था, तो सर वो काफ़ी टफ टाइम था, तो उस टाइम में आप कैसे हालात पर काबू पा पाए? एक टफ टाइम तो आप पर भी रहता है और आपसे ज़्यादा टफ टाइम वो फैमिली के लिए मैं समझता हूँ कि वो टफ टाइम रहता है, क्योंकि फैमिली बहुत ही कंसर्न रहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पुलिस में जब भी कोई व्यक्ति आके अपनी वर्दी पहनता है तो ये उसका एक ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड रहता है कि उसको इस प्रकार के लोगों से उसका पाला पड़ना है। भिवाड़ी में भी जब भी हम थे एक धरपकड़ के दौरान फायरिंग हो गई, फायर भी हुआ। दूसरी घटना ये जैसे आपने बताया कि नागौर में आनंदपाल एनकाउंटर के पश्चात जो लोग उसकी डेड बॉडी को लेके उग्र प्रदर्शन कर रहे थे वो प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसमें सेट पे मैसेज आता है कि भाई कुछ पुलिस कर्मियों पे उन्होंने पेट्रोल डाल दिया है और आग लगाने की संभावना है, जहाँ पर अच्छा। हम अतिरिक्त बल के साथ वहाँ पर रश करते हैं और वहाँ पर काफ़ी पथराव और ये होता है, जिसमें लोगों ने हमारी गाड़ी को भी अच्छा जला दिया।
वो एक ऐसा समय होता है कि जब आप मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले का और सभी लोगों का आशीर्वाद रहा कि भाई कुछ हुआ नहीं, पर ये एक रिस्क तो इस नौकरी का एक पार्ट एंड पार्सल है कि जहाँ पर जो किसी की जान पे बनना थी आपको जाना पड़ता है, आपको यूज़ ऑफ फोर्स करना पड़ता है, फिर उसमें तो इट्स लाइक अ बैटल, जो जीत गया सो जीत गया। बट छूट सभी की बेस्ट विशेष से उससे किसी भी स्टाफ को परमानेंट को इंजीनियरिंग, कई लोग घायल हुए लेकिन परमानेंट को इंजीनियरिंग नहीं रही, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि राजस्थान सरकार ने उसमें जितने भी हमारे साथ टीम के सदस्य थे उन सबको गैलेंट्री प्रमोशन दिया। तो मैंने जैसा कहा कि उस वाक्य से हम और मजबूत होकर उभरे, और वो समय वाकई मुझे याद है कि मेरी वाइफ ने भी मुझे काफ़ी डांटा कि क्या करते हो, पेरेंट्स काफ़ी कंसर्न थे क्योंकि उनको भी खबर न्यूज़ के माध्यम से पता चली, न्यूज़ चैनल, क्योंकि हमारे पास इतना भी समय नहीं था कि हम घर पे बता पाए कि भाई ये हुआ है और हम कुशल मंगल हैं। तो ये मेरे ख्याल से पुलिस की नौकरी का एक ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड सा है। अच्छा सर, ये देखा जाता है कि जब भी राज्य में कोई बड़ी घटना होती है, कोई ऐसा वाकया होता है जो कि काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तब परस देशमुख के हाथों में कमान सौंप दी जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखने को मिला, जब थाना गाजी अलवर में गैंग रेप हुआ था, बहुत बड़ा वो कांड बन गया था और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, ऐसे वक्त में आपको कमान सौंपी गई, कितना मुश्किल था सर वो वक्त? वो भी एक अलग सा वक्त था मैम, कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना वहाँ हो चुकी थी, और मुझे याद है कि जब मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आया तो मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि मेरी कहीं ट्रांसफ़र होने वाली। रात में मुझे ऑर्डर आया तो मुझे मैंने अपने सीनियर्स को कॉल करके कहा कि मैं एक दो दिन में सामान वामान लेके, तो उन्होंने कहा नहीं आपको तो अभी रात में ही जाना है। और मैं सुबह पहुँचा तो वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग आयोग आए हुए थे, उस मैंने ज्वाइनिंग ही थाना गाजी में दी, और एक अलग सा माहौल वहाँ पर था। बट मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि पहले की टीम ने भी, हमारी टीम ने भी, सबने मिलकर जो काम किया उसके वजह से हम उन दरिंदों को मैक्सिमम से मैक्सिमम सज़ा, समय कोविड के रहते थोड़ा सा विलंब उस ट्रायल में हो गया, पर बाकी चाहे पुलिस हो, प्रोसिक्यूशन हो, जुडिशरी हो, जेल हो, सभी एजेंसीज ने एक सिस्टम की तरह कार्य किया और उन दरिंदों को सज़ा दिलवाई। और लोगों में एक परसेप्शन ये बन गया था कि काफ़ी असुरक्षित सा माहौल है, बट मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इवन मीडिया कर्मियों ने काफ़ी सहयोग किया एक परसेप्शन बदलने में और लोगों को ये महसूस कराने में कि भी आप सुरक्षित हैं, और पॉजिटिव कवरेज भी काफ़ी हमारे मीडिया के साथियों ने दिया, जिससे कि एक मैसेज ओवरऑल और परसेप्शन और सिचुएशन को हम ढंग से मैनेज कर पाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी ने देखा था कि किस तरीके से आपने जल्दी से जल्दी उस पूरे केस में काबू पाया, बल्कि सारे अपराधियों को तुरंत पकड़ा गया और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाई। अच्छा सर, 2010 में आप पुलिस सेवा में आए और 2022 ये लंबा कार्यकाल है, अब तक के कार्यकाल में कोई ऐसा अनुभव जो कि आपको सबसे ज़्यादा यादगार रहा हो, या कोई ऐसा ऑपरेशन? ऐसे कई मोमेंट्स हैं, ऐसे दो मोमेंट्स मैं शेयर करूंगा। जब मैं भिवाड़ी में ASP शिप में पदस्थापित था तो एक हाईवे लूट की घटना हो गई, जिसमें एक परिवार की गाड़ी को रोक के हाईवे पर और उनसे सारा सामान वामान लूट लिया, उनके साथ बदतमीजी भी की गई। उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाई, हमने काफ़ी मुखबिरी सेट की और मुखबिरी सेट करने में भी हमें काफ़ी समय लगा, काफ़ी जोर लगा, और किसी लड़की को हम विनोवर कर पाए और उसके थ्रू हमें अच्छी जानकारी उसमें मिल पाई। और जब हम दबिश देने गए तब मुझे अच्छे से याद है, ठंड के दिन थे, रात का समय था और हमें सूचना मिली कि ये हमारी जगह से लगभग 150 किलोमीटर दूर किसी गांव में आरोपी है, जिस पर हम सब वहाँ टीम के साथ गए और लकीली हम जिस रूट पर थे उसी रूट पर आरोपी अपनी गाड़ी से अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था, और हमने उसकी गाड़ी रुकवाई और अलग अलग दिशा में अलग अलग लोग भागने लगे। तो फिर हमने तुरंत डिसाइड किया कि भाई मैं एक का पीछा करूंगा, दूसरा दूसरे का पीछा करेगा। मैं जिसका पीछा कर रहा था उसने अचानक अपने पैंट में से हथियार निकाला और हथियार यूँ पीछे की तरफ रख के उसने, जब मैं उसको पकड़ने वाला था उसके पास, तो बहुत ही पास से उसने फायर कर दिया।
लकीली गोली बाजू से निकल गई और वो आरोपी पकड़ा गया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि घटना जब हुई पकड़ा तब तो कुछ नहीं लगा, बट बाद में जब सब कुछ शांत हो गया उसके बाद में सोचने लगा कि पता नहीं अगर वो एक आध इंच से गोली अगर इधर उधर हो जाती तो चीज़ कुछ और होती। दूसरी एक ऐसी घटना है जब मैं नागौर ज़िले में पदस्थापित था और हम थाने पे बैठे थे, एक अचानक वृद्ध महिला आई और उसने जो वाकया पेश किया, जो घटना बताई कि उसके साथ ज्यादती की है कुछ लोगों ने, और उस घटना को सुनते ही हमने अलग अलग हमारी टीम्स बनाई। थोड़ी देर में वो आरोपी गिरफ्तार हुआ और आरोपी को हमने पूछताछ के लिए लाया और बड़ी विभत्स घटना उस आरोपी ने उस महिला के साथ कारित की। और उसमें सबसे गलत बात ये थी कि उसने सभी चीज़ को फिल्माया था और बड़े ही शौक से वो अपने फ़ोन में उसको रख के दूसरों के साथ शेयर करता गर्व के तौर पे कि देखो मैंने कितना विभत्स कार्य किया। मुझे वो सीन अच्छे से याद है कि जब टीआई परेड के पश्चात जब उस महिला और आरोपी का आमना सामना हुआ तो उस महिला ने अपने पैर से चप्पल निकाली और उस आरोपी को पीटना शुरू किया। तब मुझे ऐसा लगा कि इस नौकरी में कम से कम उस महिला को ये तो सुकून हम दिलाने के काबिल है कि जिसने उसके साथ गलत काम किया आज वो उसको, हमने तो कानून तो सजा दे ही रहा है पर एक उसकी जो बड़ा से उसको एक जो न्याय की अनुभूति है वो दिलाने में हम सक्षम रहे, इसका एक बड़ा ही अच्छा अनुभव वहाँ का। नागौर की आपने बात की तो एक और वाक्या याद आता है जहाँ पे नागौर में आपने एक एग्जांपल सेट किया, थानों में सीसीटीवी कैमरा और माइक्रोफोन लगा दिया, तो सर वो आइडिया कहाँ से आया और क्या कुछ इसका रिजल्ट निकला? हमने ये देखा कि अमूमन जैसे नौकरी में आने से पहले हम भी हमारे मन में भी पुलिस के प्रति एक बड़ी निगेटिव इमेज थी और जहाँ मैं समझता हूँ कि प्रदेश में जहाँ हमारी ऐसी परिपाटी है कि बच्चा दूध भी नहीं पीता तो उसे मम्मी कहती कि तू दूध पी ले नहीं तो पुलिस में बंद करा दूंगी, तो एक इनडायरेक्टली एक ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि बिना पुलिस से मिले ही पुलिस की एक नकारात्मक छवि हमारे मन में कहीं ना कहीं इम्प्रिंट हो जाती है। दूसरा उसमें कारण हो जाता है पुलिस का व्यवहार, तो पुलिस का व्यवहार ठीक हो और पुलिस और जनता के बीच में जो भी संवाद हो वो अच्छी तरीके से हो, इसका एक हमने सिस्टम बनाया और आगे चल के वो स्वागत कक्ष के रूप में आया भी, तब हमने उसे आगंतुक कक्ष के नाम से एक सुविधा डेस्क के नाम से हमने एक योजना निकाली कि हर थाने पर एक अलग सा कमरा हो और उस कमरे में बैठने की व्यवस्था हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, अटैच टॉयलेट्स हो और कोई भी परिवादी आता है राइट फ्रॉम थाने के बाहर से लेके उस कमरे तक वीडियो कैमरे हो और उस कमरे में जो भी वार्तालाप हो रहा है वो ऑडियो और वीडियो दोनों ही रिकॉर्ड होके उसका सेंट्रलाइज्ड जो कंट्रोल रूम हमारा बना था वहाँ पर उसका डिस्प्ले आता था। हमने अलग से एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी अलग अलग शिफ्ट में इसलिए लगाई थी कि वो सुन सके कि भाई कोई परिवादी अगर बाहर रुका है उसने अगर आके कोई बात कही है तो वो हमारे सिस्टम में रजिस्टर हुई है नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो हमारे सिस्टम की तरफ से ही था बिकॉज हमारा सिस्टम भी नहीं चाहता था कि भाई कोई भी नहीं चाहता कि भाई उसकी मॉनिटरिंग सीसीटीवी से हो या कैमरे से हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके अच्छे रिजल्ट आने लगे। लोगों ने इसको काफ़ी सराहा और एक तरह से पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन जिस भी माध्यम से होता हो, चाहे आप थाने पे अगर फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन पे भी हमने रिकॉर्डर लगाया, अगर व्यक्ति आप पर्सनली आके मिल रहे हो तो उस कमरे में हमने ऑडियो वीडियो कैमरा लगाया। हमारी कोशिश ये थी कि पब्लिक पुलिस इंटरेक्शन को हम स्मूथ करें और पुलिस स्टाफ को भी हम अकाउंटेबल महसूस करें। उसमें हम ACP CEOs को भेज कर फीडबैक कॉल भी करवाते थे, जैसे अगर आप थाने पर गए आपने रिपोर्ट लिखाई है और आप वापस गए तो उसके बाद आपको एक कॉल भी आएगा एक फीडबैक के रूप में कि भी आप थाने पर आए थे तो क्या आपका अनुभव ठीक रहा, क्या आपसे व्यवहार ठीक रहा जी। तो मैं समझता हूँ कि हम पुलिस का व्यवहार भी काफ़ी सुधरा, हमारे स्टाफ में भी काफ़ी बदलाव आए और ये एक स्टेप था उस तरफ की पुलिस की ओवरऑल छवि लोगों के मन में ठीक हो रही जी। सर एक और चीज़ है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे निचले पायदान पे जो लोग काम करते हैं हमेशा देखा जाता है कि कई बार स्ट्रेस में दिखते हैं, तो पुलिस कॉन्स्टेबल्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनको लेके आपकी क्या राय है? जो कुछ भी मैम ऊपर का तबका है ना, यानी मैं तो यही कहता हूँ कि भाई SP तभी है जब बीट कॉन्स्टेबल, यानी बिना निचले लेवल के ऊपर की फोर्स कुछ नहीं है जी। उनका नंबर ज़्यादा है
और एक्चुअल में जो काम करने वाले हैं, जो भी पुलिस जहाँ पे देखते हैं ना, पुलिस का काम है, तो पुलिस का काम या ना उन कॉन्स्टेबल का, मैक्सिमम इट इज कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल्स हमारे जो है जी। लीडरशिप देना इनको बहुत ज़रूरी है, इनके दुख दर्द बांटना बहुत ज़रूरी है, इनके साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ऑलमोस्ट सभी रेंज का जो मेरा अनुभव रहा है कि हमारी फोर्स आज भी इतनी अच्छी है कि थोड़ा अगर उनको ये रियलाइज हो कि भाई ये लीडर हमारे साथ खड़ा है तो वो फिर आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे घुड़सवार जब घोड़े पे बैठता है तो घोड़ा भी समझ जाता है कि सवार कैसा है और घोड़ा भी उसके अनुरूप ही चलता है। तो मैं समझता हूँ हमारी फोर्स, इसे फोर्स इसलिए कहा जाता है कि लिटरली इनमें बहुत ताकत है जी। एक अच्छा अगर पॉजिटिव लीडर हो, और लीडरशिप केवल एसपी लेवल पर नहीं, लीडरशिप थाने के लेवल पर हो, एसएचओ की लीडरशिप हो, सीओ की हो, एडिशनल एसपी की हो, तो जहाँ ये तारतम्य अच्छे से बैठ जाता है वहाँ पर दे एक्सेल लाइक एनीथिंग, यानी फिर आपको रोकना पड़ता है। बट उनका कई जाबाज हमारे सिपाही ऐसे हैं कि जो थोड़ा भी उनको मोटिवेशन मिल जाता है तो अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं झुकते, चाहे वो आग से किसी को बचाना हो, चाहे बदमाशों से सामना करना हो। ओवरऑल फोर्स बहुत अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी लीडरशिप हो तो वो और भी अच्छा काम करता है। एक और अहम सवाल सर, देश भर में, राज्य भर में हजारों युवा ऐसे हैं जो कि आज परेश देशमुख बनना चाहते हैं और लगातार वो अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, लेकिन उन होनहारों के लिए कोई सफलता का मंत्र अगर आप दे सके तो, ताकि उनकी सफलता, जो मेहनत है वो सफल हो जाए। देखिए, मैं उन सभी साथियों को जो एक्सेल करना चाहते हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक समय आता है लाइफ में जब आपको आपकी मंजिल का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अपना कोई गोल नहीं चुनते, अपनी मंजिल नहीं चुनते, तब तक आपका जीवन दिशाहीन हो जाता है। गोल आपने वो चुनना चाहिए जो आपका पैशन हो, चाहे आप, अगर आप डांस अच्छा करते हो तो आप डांस में जाना चाहिए, अगर आप आर्ट्स में अच्छे हैं आपने आर्ट्स में जाना चाहिए, आप खेल में अच्छे हो आप खेल में जाना चाहिए, बट जिस भी क्षेत्र में आप अच्छे हो उस क्षेत्र के टॉप को आपने टारगेट करना चाहिए। एक बार गोल तय होने के बाद फिर मैं समझता हूँ कि जब तक आप अपने तरफ से सब कुछ नहीं दोगे तब तक वो गोल साकार होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कई बार ऐसा होगा लाइफ में कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपने सब कुछ दिया पर फिर भी आपको सफलता नहीं मिली। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है जी। एक ऑब्जेक्टिवली थोड़ा सा बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि चलो अगर हम इस बार ये गलतियाँ रह गई, ये कमियाँ रह गई, तो हम इसमें भी सुधार करेंगे, इसमें भी सुधार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मेरा कहना है कि एक तो गोल सिलेक्शन और डेडिकेशन टूवर्ड्स गोल, ये दो चीज़ अगर है तो इतना, जैसे कि कवि ने कहा है कि दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में, ये वो वाली बात हो जाएगी। अगर आपने डिसाइड कर लिया और आपने मेहनत कर ली तो किसी मंजिल में भी इतना दम नहीं कि वो आपसे दूर रह पाए। तो ज़रूरत बस है कि भाई आप गोल सिलेक्शन करें और अपना सब कुछ उसको दे दें जब तक आपको वो नहीं मिलता जी। तो मेरे ख्याल सफलता बिल्कुल नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए और आपका अनुभव साझा करने के लिए। थैंक यू मैम। तो ऐसे हौसलों को हमारा सलाम है और इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ। नमस्कार।